नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन में अंतर लिखिए। उत्तर है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड लिखेंगे समसूत्री और दूसरी साइड लिखेंगे अर्धसूत्री। पहला अंतर है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री कोश का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा अंतर है, इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री कोश का विभाजन में दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें चार कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री कोश का विभाजन में चार कोशिकाएं बनती हैं। तीसरा अंतर है, इसमें कम समय लगता है। समसूत्री कोश का विभाजन में कम समय लगता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। चौथा अंतर है, इसमें जीन विनिमय नहीं होता है। समसूत्री कोश का विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है। इसमें जीन विनिमय होता है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन में जीन विनिमय होता है। पांचवा अंतर है, इसके कारण जीवों में वृद्धि होती है। समसूत्री कोश का विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि होती है। इसके कारण जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन के कारण जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।